नमस्कार दोस्तों, न्यू बुंदेलखंड स्टेट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको फ्राई आलू और सोयाबीन की सब्जी बना के दिखाएंगे। सबसे पहले हमने ऑयल में आलू फ्राई कर लिया है, बढ़िया से आलू फ्राई करके निकाल लिया। प्याज लहसुन का हमने आलू फ्राई कर लिए। अब हम प्याज लहसुन पहले से हमने काट रखे हैं, थोड़ा सा हम तेल और डालेंगे इसमें क्योंकि एब्जॉर्ब कर लिया है सोयाबीन वगैरह। अब हम प्याज और जीरा वगैरह निकाल लेते हैं। इसके बाद हम बढ़िया जीरा लौंग और तेज पत्ता से फ्राई करेंगे। और देखिए निकाल लिया हमने। अब हम जीरा तेज पत्ता तेल गर्म होने पर डालते हैं। ये डाल दिया हमने बढ़िया से। कलर आने पर लौंग डाल दी हमने और हरी मिर्च भी डाल दी है। जो दाल का चटनी उसको हमने फ्राई करने में डाल दिया। ब्राउन होने के बाद हम हरी हमने लहसुन अदरक और प्याज मिर्च का पेस्ट बना लिया है। उसको हमने भूनते हैं, तब तक भूनेंगे जब तक कि ब्राउन ना हो जाए। ब्राउनी होने पर इसमें बढ़िया फ्लेवर आएगा, मस्त सब्जी बनेगी। यार देखना बढ़िया सो की सब्जी बनाते हैं आलू और सोयाबीन की। और हम टमाटर इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि हम थोड़ा स्टोन की समस्या है, तो हम अपनी खुद की सब्जी में टमाटर नहीं डालेंगे, बाकी हम सारी चीज़ें डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। टमाटर को हम अवॉइड करते हैं, डॉक्टर ने मना किया। आप चाहे तो आप अपनी रेसिपी में टमाटर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया से देखो प्याज बढ़िया से अपना कलर आने लगा है धीरे धीरे। बढ़िया से प्याज भुनाने के बाद हम मसाला निकाल लेते हैं। मसाला हम भैया एक चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच हमने इसमें चाट मसाला यूज़ किया है और आधा चम्मच धनिया और सॉरी मिर्चा और थोड़ा सा हल्दी का बढ़िए से मसाला। मसाले में थोड़ा पानी मिला देते हैं और उसके रख देते हैं पानी में ताकि मसाला बढ़िया से मिक्स हो जाए, फूल जाए। बढ़िया मसाला हमारा रेडी है, अब इसको डालने का वक्त आ गया है। मसाला तैयार है, प्याज भी होने के लिए बढ़िया ब्राउनी। अब हम मसाला छोड़ देते हैं। बढ़िया मसाला छोड़ने के बाद हम बढ़िया अच्छे से मसाला तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे। बढ़िया से हम इसको पोसते हैं, बढ़िया एकदम स्वाद अनुसार हम नमक डालते हैं। कुछ लोग हम लोग नमक खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा है, तो अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। सूखी सब्ज़ी है, ज़्यादा नमक नहीं डालना पड़ेगा। और हमने जो फ्राई किए थे पहले से हमने आलू और सोयाबीन इसको डालने का वक्त आ गया है। बढ़िया हम इसको दो तीन मिनट पकाएंगे, ऑलरेडी पहले से फ्राई हैं, बढ़िया पके हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको दो तीन मिनट ऐसे ही मसाले में बढ़िया भूनेंगे और आपको एकदम चटपटी स्वादिष्ट रेसिपी आपको बस रेडी है। आप इसको बढ़िया से सब्जी
आप रोटी या पराठे वगैरह में भी आराम से पैक करके भी ले जा सकते हैं। देखिए एकदम रेडी है रोटी में हमें पता है सब्जी आपको एकदम रेडी है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बनाते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगेगी आपको, एक बार ट्राई जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद।